जय हिंद एवरीवन। जिस चीज का इंतजार हम कर रहे हैं उसकी तरफ कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हमें मिलते जा रहे हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि वो पॉजिटिव पॉइंट्स जो मैं यहाँ पे कंसिडर करूंगा, जो बताऊंगा, वो 100% ट्रू है या नहीं है, लेकिन हाँ, एक बड़ी अथॉरिटी के थ्रू हमें ये चीजें पता लगी हैं। ठीक है, तो एक पॉजिटिव स्टेप बोल सकता हूँ हमारी NTSC कंफर्मेशन के ऊपर कि NTSC होगा और डेफिनेटली होगा। ये मैं यही विश्वास मैं भी करके चल रहा हूँ, यही विश्वास आप भी करके चलिए। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, देखो यार, एटलीस्ट आपने इसके पीछे अपना एक ईयर डिवोट किया हुआ है, 1 ईयर तो आपने एटलीस्ट इसको दिया हुआ है। अब किसी चीज को अगर 1 साल दिया आपने, तो क्या आप 1 मंथ या फिर 1 मंथ आप फाइट नहीं कर सकते उसके पीछे, है ना? 1/12 पार्ट आपको एफर्ट लगाना, जो आपने 12 महीने एफर्ट लगाया है, क्या 1 महीने आप उसका वेट नहीं कर सकते हो? 1 महीने भी वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यार, मुझे ही पता है, आपको भी पता है, ठीक है? 1 महीने भी वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चीजें उससे पहले ही क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आई अश्योर यू कि उससे पहले क्लियर हो जाएगी तो हो जाएगी। ठीक है, तो बस मैं ये आप में से काफी लोग बोल रहे हैं कि भैया आप अपना धंधा चलाने के लिए कर रहे हो। देखो यार, मुझसे आपसे कुछ मिलता नहीं है, पहली बात है ना। यहाँ डेली मैं 1 घंटे बैठ के पढ़ाता हूँ, तो उससे आप कुछ देते नहीं हो मुझे उस पढ़ाने का, है कि नहीं? लेकिन अपन ने एक जिम्मेदारी उठाई है कि आपको, जो छोटे बच्चे हैं, जो हमारे छोटे भाई बहन हैं, उनको हर एक चीज पता हो जो हमें नहीं पता थी। ठीक है, तो आप उस चीज पे फोकस करें कि आप पढ़ाई करें, आप चीजों को समझें जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ज्ञान देने के चक्कर में पड़ जा रहे हो, आप अपने पढ़ाई पे फोकस ही नहीं कर रहे हो। देखो मैं यार क्यों यहाँ पे वीडियोस बना रहा हूँ, क्यों आपको अपडेट दे रहा हूँ कि NTSC होगा या फिर नहीं होगा, उसके पीछे का सिंपल सा लॉजिक ये यार कि हमने 2 साल, आपने तो 1 साल दिया होगा यार, हमने 2 ईयर, पूरा 2 साल नेट इसके ऊपर डिवोट किया है। इसके पिछले वाले बैच को भी पढ़ाया है, इस साल भी पढ़ा रहे हैं, है ना? और फुल्ली फ्री में चैनल पर पढ़ा रहे हैं। जो लोग को नहीं विश्वास हो, जाके प्लेलिस्ट आप देख सकते हो दोस्त, और इसके लिए आपसे कोई चार्ज नहीं किया जाता, फ्री में पढ़ा रहे हैं। जब 2 साल कहीं समय दिया है मैंने, तो मैं ये जरूर सोचूंगा ना कि एग्जाम एनी हाउ हो जाए, और मैं पॉजिटिव फेवर में ही बात करूंगा, क्योंकि फैक्ट्स ये नहीं बोल रहे हैं कि एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम नहीं कंडक्ट करवाया जाएगा। वो ये बोल रहे हैं कि एग्जाम को होल्ड पर रखा गया, और एग्जाम कुछ दिन बाद होगा या फिर फर्दर ऑर्डर के बाद होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव अप्रोच आप भी रखिए, मैं भी पॉजिटिव अप्रोच रख रहा हूँ। तो आपके सामने एक यहाँ पर दिख रहा होगा, कुछ फोटो दिख रहा होगा, इमेज दिख रही होगी, इस इमेज को जरा ध्यान से पढ़िएगा। NTSC स्कॉलरशिप नंबर्स एंड अमाउंट लाइकली टू बी इंक्रीज, ये तो बड़ी अननोन बात होगी, नई बात होगी। भाई यहाँ सोच रहे हैं कि खत्म होने वाला, आप बोल रहे हो भैया इंक्रीज होने वाला, सच्चाई क्या है? थोड़ा ध्यान से और पढ़ लीजिए। न्यू दिल्ली में ये न्यूज है, बेसिकली टाइम्स ऑफ इंडिया की, यहाँ पर देख सकते हैं टाइम्स ग्रुप, इसको मैं अभी और आपको पूरी कंफर्मेशन के साथ दिखाऊंगा, बी रिलैक्स। न्यू दिल्ली, द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज रिव्यूइंग द नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन स्कीम एंड इज लाइकली टू इंक्रीज द नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स, ये लाइन आप ध्यान से पढ़िएगा। एज वेल द मॉनेटरी इंसेंटिव फ्रॉम 2000 to 5000, ठीक है? हमें पता है कि जो 2000 मिलती थी स्कॉलरशिप, वो अब कितनी मिलेगी, 5000 मिलने की चांसेस हैं। ठीक है, द NCERT ऑन फ्राइडे नोटिफिकेड, अब देखो यहाँ पर आप बोलोगे भैया पुरानी फोटो लाके यहाँ पर दिखा रहे हो, पढ़ लो भाई यहाँ पर। NCERT ऑन फ्राइडे नोटिफाइड दैट NTSC हैज बीन इंस्टॉल्ड अंटिल फर्दर ऑर्डर्स, क्या ये बात ट्रू है? फ्राइडे को ही नोटिफिकेशन NCERT ने दी थी, मतलब उसके बाद की नोटिफिकेशन है। तो मैं बता दूं, ये 7 तारीख की नोटिफिकेशन मुझे आज पता चली है, रियली सॉरी फॉर दैट। और एक बच्चा, ये स्टूडेंट ये, उसने ही बताया, मैं अगर ट्राई करूंगा तो उसका नाम भी मेंशन कर दूंगा, ठीक है? मुझे एग्जैक्टली अभी नहीं याद आ रहा, बट एक बच्चा स्टूडेंट है, उसने ही ये नोटिस मुझे भेजी, और इतने पॉजिटिव अप्रोच के साथ भेजी, भैया प्लीज बच्चों को इन्फॉर्म कर दीजिए, जो लोग परेशान हो रहे हैं अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करें। आप में से ही एक बच्चा इतना परेशान, और आप परेशान ही नहीं हो, मुझे पता है वो कुछ चंद ऐसे वैसे लड़के हैं, बट यू आई नो, ठीक है? बट आपको इफेक्ट पड़ेगा उससे, इसलिए मैं यहाँ पर चीजें बता रहा हूँ। अब देखिए, दिस पॉपुलर स्कॉलरशिप प्रोग्राम इज फंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड होस्टेड बाय NCERT। अब बहुत लोग इसका कॉपी करेंगे, मुझे पता है, ठीक है? द स्कॉलरशिप एग्जाम इज कंडक्टेड एनुअली इन 2 स्टेजेस, स्टेज 1 स्टेट लेवल, स्टेज 2 नेशनल लेवल, ये सारी चीजें मैं पता। टोटल ऑफ 2000 स्कॉलरशिप्स आर अवार्डेड टू द रिजर्वेशन, 15% फॉर SC, 7.5% फॉर ST एंड 27% फॉर OBC, ओके, एंड 4% फॉर द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज। ग्रेट, अकॉर्डिंग टू द NCERT नोटिस, ये हमें पता है, इतनी चीजें हम नहीं जानते हैं, ठीक है? इतनी हमें पढ़नी भी नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन मीटिंग एजेंसी स्कीम, दिस स्कीम वॉज अप्रूव्ड टिल 31st मार्च,
द फर्दर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म हैज बीन अप्रूव्ड। ठीक है, देखिए यहां पर द फर्दर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म हैज नॉट बीन अप्रूव्ड एंड स्टार्ट फर्दर अंटिल फर्दर ऑर्डर्स। दिस इज फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल कंसर्न। द मिनिस्ट्री इज रिव्यूइंग द स्कीम विथ एन एम टू रिवैम्प इट। रिवैम्प का मतलब आप समझ रहे होंगे, किसी चीज को नए तरीके से प्रेजेंट करना, किसी चीज को चेंज करके नए फॉर्म में लाना, ये रिवैम्प का मतलब है। ठीक है, रिवैम्प सेड दिनेश प्रसाद सकलानी डायरेक्टर एनसीईआरटी। समझ में आई बात बच्चा? ये नहीं बोला गया कि कैंसिल हो गया, ये बोला जाए रिवैम्प किया जाएगा, उसे नए फॉर्मेट में लाया जाएगा। और यही चीज मैंने पिछली वीडियोस में भी बोली है आपको कि एनसीईआरटी इस चीज को कंसिडर कर रहा होगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से कि पूरा पैटर्न बदल दिया जाए, ना कि उसको खत्म किया जाए। तो एनटीएससी जरूर होगा लेकिन पैटर्न चेंज करके। अब हो सकता है आपको लग रहा हो कि भाई ये कहीं से क्लिप एडिट करके, है ना, हेटर्स कुछ बोलेंगे कि भैया ये तो आपने फोटोशॉप किया हुआ। तो आइए भैया चलिए हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं। यहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट खुल गई है आपके सामने। ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट खुल गई और दिख रही होगी आपको टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट। चलिए इसको ध्यान से जरा देखते चलिए। यहाँ पर एजुकेशन मिनिस्ट्री प्लानिंग टू रिवैम्प, इसको ध्यान से पढ़िएगा, एजुकेशन मिनिस्ट्री रिवैम्प एनटीएससी स्कीम विथ इंक्रीज्ड स्कॉलरशिप। तो ये तो अपने लिए गुड न्यूज है भाई कि रिवैम्प करने चाह रही है, नए फॉर्मेट पे ला रही है और नंबर ऑफ स्कॉलरशिप भी इंक्रीज करने वाली है। पहली गुड न्यूज तो ये कि एनटीएससी रिवैम्प होके आएगा, दूसरी गुड न्यूज की नंबर ऑफ स्कॉलरशिप भी। तो गुड न्यूज कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा और आपका क्या ओपिनियन है वो भी आप जरूर शेयर करते रहिएगा। ठीक है, अब कुछ चीजें भाई नीचे भी पढ़ लेते हैं क्या क्या चीजें गिवन है। द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अचिन, हाँ अचिन नाम का लड़का था, अचिन नाम का लड़का था, अभी उसने ही मैसेज किया जस्ट। द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज रिव्यूइंग एनटीएससी स्कीम, ये सब कुछ हमने पढ़ लिया है। द टोटल ऑफ दिस, ये सब कुछ हमने पढ़ लिया, यही सेम चीज आपको वहां पर भी लिखी थी। ठीक, अब यहां पर देख लीजिए कुछ लाइन आपको यहां पर दिख रही होगी, यहां पर दिख रही है द मिनिस्ट्री इज रिव्यूइंग द स्कीम विथ एन एम टू रिवैम्प इट। मिनिस्ट्री इज रिव्यूइंग स्कीम विथ एम, समझ में आ रहा है किस बात के लिए? जो फंड 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 चिल्ला रहे थे, ठीक है फंड वाली बात थी, फंड वाली बात थी, सब कुछ थी, लेकिन जो मिनिस्ट्री वो किस बात पर रिव्यू कर रही है ये चीज आप देखिए। और ये किसने बोला, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, ना तो कोई टीचर बोल रहा है यहाँ पे आके। ठीक है, ये कौन बोल रहा है? सिंपली एनसीईआरटी के डायरेक्टर बोल रहे हैं और इतनी बड़ी अथॉरिटी है तो उनको पता है क्या चीजें चल रही है। तो मिनिस्ट्री इज रिव्यूइंग द स्कीम विथ एन एम टू रिवैम्प इट। ठीक है, कर लेना रिवैम्प गूगल, इंग्लिश पढ़ते होगे तो पता होगा तुम्हें। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सीनियर मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स द प्रेजेंट स्कीम हैज बीन अप्रूव्ड टिल 31 मार्च, ये सब कुछ हमें पता है। अब लास्ट की लाइन भी थोड़ी सी पढ़ लेते हैं, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर लेके जाता हूं फिर लास्ट की लाइन पढ़ लेते हैं। ठीक, द गवर्नमेंट इज ऑल्सो कंसिडरिंग इंक्रीजिंग द अमाउंट अप टू 5,000 पर मंथ सेड द ऑफिशियल्स, एडिंग दैट वंस न्यू स्कीम इज फाइनलाइज्ड एंड अप्रूव्ड द सेम वुड बी नोटिफाइड बाई एनसीईआरटी। तो वो एनसीईआरटी हमें नोटिफाई करेगा बहुत जल्द। ठीक है बेटा, तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने बोला है तो कहीं ना कहीं उनकी बातचीत हुई होगी और डायरेक्टर का नाम सिंपली यहां पर मेंशन किया गया है, है ना? क्या मेंशन किया था ध्यान से देख लो ऊपर, यहां पर दिनेश प्रसाद सकलानी। ठीक है, तो याद कर लो दिनेश प्रसाद सकलानी कौन है, डायरेक्टर ऑफ एनसीईआरटी। उन्होंने सिंपली बोला है कि नई स्कीम फाइनलाइज्ड हो गई है, पास की अप्रूव्ड भी हो चुकी है, एनसीईआरटी उसको जल्दी रिव्यू करके आपके सामने प्रेजेंट करेगा। ठीक है, गुड न्यूज कैसी लगी पहले तो कमेंट बॉक्स में बताओ, आपकी क्या ओपिनियन है? मैं वो बार बार इसलिए पूछता हूँ क्योंकि आपकी फीलिंग्स समझ में आती है, मुझे फीलिंग्स दिखती है कि भाई आप उतना लगे हो। मैं तो पढ़ा रहा हूं लेकिन जो मेहनत कर रहा है वो तुम हो यार। ठीक है, तो मुझे आपकी फीलिंग समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज कमेंट बताइए आपकी क्या ओपिनियन है, आपको क्या समझ रहे हो। और जो भी पॉजिटिव न्यूज होंगे हम पॉजिटिव न्यूज ही आपको देंगे और निगेटिव भी देंगे अगर निगेटिव होगी तो। ठीक है, तो बी प्रिपेयर फॉर दैट पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव न्यूज, जो भी होगा वो करते रहें। बाकी एक मैं छोटा सा सजेशन आपको सभी लोगों को यहां पर मैं दे दे रहा हूं, लास्ट में जाते जाते सजेशन के ही तौर पर इसको लेना। ठीक है, सजेशन मैं दे रहा हूं तो सजेशन के तौर पर ही लेना, मैं इस चीजों को थोड़ा सा हटा दूं उसके बाद आपको सजेशन दे रहा हूं कि जो चीजें अभी तक आप कर रहे हो, मैं ये बोलूंगा कि एनटीएससी की जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो ध्यान में रखें कि 10th वाला पार्ट जो है आप इसको क्या करें, कंटिन्यू करें। अभी के लिए हमें नहीं पता नोटिफिकेशन कब तक आएगी, बट अभी आप 10th वाले पार्ट को कंटिन्यू करिए और जैसे ही नोटिफिकेशन आती है फिर हम 9th वाले पार्ट पर, 9th आफ्टर नोटिफिकेशन। ठीक है, आफ्टर नोटिफिकेशन, एंड वी नो दैट कि जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी, सब कुछ चेंज हो जाएगा,
पूरा प्रॉपर प्लान हमारा चेंज हो जाएगा, ठीक है, हमें फिर उसके अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा। तो हम जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी आपको एटलीस्ट 2 महीने का टाइम तो मिलने वाला है, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। इस चीज़ को आप अपने दिमाग में रखिए कि नोटिफिकेशन के बाद भी अपने को 2 महीने मिलेगा। सो 2 महीने विल बी सफिशियंट टू प्रिपेयर। 2 महीने क्या होंगे अपने लिए, सफिशियंट होंगे प्रिपरेशन के लिए। सो बी रिलैक्स्ड और अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जबरदस्त तरीके से बस पढ़ाई करते रहें। और कुछ भी अगर दिक्कत आ रही है, आई एम हियर टू हेल्प यू, ठीक है, मैं हर एक चीज के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ, हर चीज आपको प्रोवाइड करूंगा, हर एक चीज समझाऊंगा, ठीक है। चलिए इसी बिलीव के साथ कि एनटीएससी होगा, पॉजिटिव न्यूज के साथ इस सेशन को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।